ये कहानी है 1960 के दशक की, जब रॉन क्रे और रेजी क्रे नाम के दो जुड़वा भाइयों का पूरे लंदन में राज था। रेजी पहले एक बॉक्सर था, लेकिन बाद में उसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया और दोनों अपराध जगत का हिस्सा बन गए। फिल्म की शुरुआत में हम रेजी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़े पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा है, जो उस पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। वो उन्हें घर के अंदर आकर चाय पीने को कहता है। पुलिस वाले उसे बाहर में जाने को कहते हैं। उसके बाद वो अपने ड्राइवर के घर पर जाता है। वहाँ उसे ड्राइवर की बहन मिलती है जिसका नाम फ्रांसिस है। वो उसे पसंद करने लगता है और उसे डेट के लिए पूछता है। रेजी काफी चार्मिंग और गुड लुकिंग है, इसीलिए फ्रांसिस उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन लगता है कि फ्रांसिस की मॉम को रेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उधर रेजी का जुड़वा भाई रॉन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को मति भ्रम होने लगती है, जिससे वो समाज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन रेजी नहीं चाहता कि उसका भाई और दिन इस हॉस्पिटल में रहे, इसीलिए वो उस डॉक्टर को धमकाता है जो उसका इलाज कर रहा है। और डर के मारे वो डॉक्टर अपने सीनियर से कहता है कि रॉन अब ठीक है और उसे अब आजाद कर देना चाहिए। लेकिन वो रेजी को सावधान करता है कि उसका भाई कभी ठीक नहीं हो सकता और उसे काबू में रखने के लिए उसे हमेशा मेडिसिन पर रहना पड़ेगा। फाइनली रॉन आजाद हो जाता है और उसके बाद वो दोनों भाई अपना तांडव शुरू करते हैं और उन सारे क्लब्स को जबरदस्ती उनके ओनर से खरीद लेते हैं। उसके बाद रेजी फ्रांसिस को लेकर एक क्लब में आता है जहां सब रेजी को काफी इज्जत दे रहे थे। ये देखकर फ्रांसिस उससे पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे जानते हैं। रेजी बताता है कि ये क्लब उसी का है। उसके बाद उसका एक आदमी उसे किसी काम से बुलाता है और बताता है कि उसी के एक आदमी ने उसे धोखा दिया है, कुछ पैसों की हेराफेरी करी है। रेजी उस आदमी को एक चोर का पंच मारता है क्योंकि उसकी वजह से वो फ्रांसिस को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रहा था। उसके बाद वो फ्रांसिस के पास आता है। दोनों काफी रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद रेजी फ्रांसिस को अपने भाई रॉन से मिलवाने ले जाता है। रॉन को देखकर फ्रांसिस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो दोनों जुड़वा थे। लेकिन रॉन फ्रांसिस से कहता है कि उसका भाई उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद रॉन की वैनिटी से रॉन का बॉयफ्रेंड निकलता है जिसका नाम टेड था। अगले सीन में हमें साउथ लंदन के एक दूसरे गैंग को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉर्चर गैंग है, जिसके लीडर का नाम चार्ली है और वो रेजी गैंग का राइवल है और वो कई बार रेजी को मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन रेजी हमेशा बच जाता है, जिस वजह से रेजी चार्ली पर हमला करता है और वो घायल हो जाता है। और फिर चार्ली अपने एक आदमी जॉर्ज को रेजी के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भेजता है। उसके बाद रेजी और रॉन चार्ली के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर चार्ली मौजूद नहीं था बल्कि उसके गुंडे होते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन रॉन उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसकी जेब में गन्स है, जिसका यूज करके वो बाहर चला जाता है। गुंडों को लगता है कि रॉन रेजी को अकेला छोड़कर भाग गया है। रेजी अकेला अंदर रह जाता है और वो गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी पीछे से रॉन हथौड़ों के साथ अंदर आता है और दोनों भाई मिलकर उन गुंडों की चटनी बना देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस चार्ली को अरेस्ट कर लेती है और उस पर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और इस तरह से क्रे ब्रदर्स का लंदन में राज हो जाता है और वो लंदन के कई बड़े क्लब्स और कैसीनो को खरीदना शुरू कर देते हैं और इनमें उसकी मदद लेस्ली नाम का एक आदमी करता है, लेकिन रॉन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेस्ली उन दोनों को एंजेलो नाम के एक बड़े क्रिमिनल फैमिली के एक मेंबर से मिलवाता है जो एक अमेरिकन माफिया की तरफ से आया था और वो लंदन को यूरोप का लास वेगास बनाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ के कैसीनो से प्रॉफिट कमा सके। लेकिन दोनों भाई किसी के नौकर बन के काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो 50-50 की पार्टनरशिप के लिए हामी भरते हैं और अब उनके कैसीनो में बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, उन्हें काफी प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर रेगी को अपने किसी पुराने क्राइम के लिए जेल जाना पड़ता है जहां उसे काफी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन रेजी भी एक पुलिस ऑफिसर के हाथों को हैंडकफ से बांध कर उसे काफी मारता है। उधर रॉन फ्रांसिस के पास आता है और उसे रेजी से मिलने के लिए कहता है। उधर लेस्ली रेजी के ना होने पर सारा बिजनेस संभालने लगता है, जिस वजह से रॉन काफी गुस्से में आ जाता है। वो उसे 50,000 यूरो मांगता है जो लेस्ली देने से मना कर देता है, जिससे नाराज होकर रॉन कैसीनो में आए लोगों की इंसल्ट करके उनका मूड खराब कर देता है, जिस वजह से अब लोगों ने उनके कैसीनो में आना बंद कर दिया था। उधर जब फ्रांसिस रेगी से मिलने जेल आती है, उसे रेगी की हालत देखकर काफी दुख होता है। रेजी उससे
उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि फ्रांसिस उसे इस हालत में देखे। उसे वादा करता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। फ्रांसिस कहती है कि तुम क्राइम की दुनिया छोड़कर सिर्फ कसिनो ओनर बनके क्यों नहीं रह सकते। जिस पर रेजिस से कहता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, बल्कि लाइफ ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया होता है। कुछ दिनों में रेजी को रिहा कर दिया जाता है और वो फ्रांसिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। फ्रांसिस मान जाती है, लेकिन वो उससे एक वादा लेती है कि अब वो कभी जेल नहीं जाएगा। और जब दोनों कसिनो आते हैं, कसिनो में दो चार लोग ही होते हैं, कसिनो खाली होता है। ये देख रेजी गुस्से में आ जाता है और लेज़ली इन सब का जिम्मेदार रॉन को ठहराता है, जिस वजह से रेजी और रॉन में झगड़ा हो जाता है। रॉन फ्रांसिस को भला बुरा कहने लगता है। ये सुनकर रेजी को गुस्सा आ जाता है, वो रॉन को पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद रॉन रेजी से माफी मांगता है, दोनों फिर से एक हो जाते हैं। फ्रांसिस वहाँ से जाने लगती है, रेजी उसके पीछे पीछे आता है। फ्रांसिस उससे कहती है कि उसे भूल जाए। रेजी उसे समझाता है कि रॉन जब अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाता है वो पागल हो जाता है, वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। फ्रांसिस उसकी बात मान जाती है। फिर हम रॉन को एक पॉलिटिशियन के साथ देखते हैं जिसका नाम बूथ भी था। रॉन उसके पास किसी काम से आया था, लेकिन वो उसके काम को करने से मना कर देता है। बूथ भी रॉन की तरह होमोसेक्सुअल है और ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चल जाती है, लेकिन इलेक्शन करीब होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। उधर जब रेजी फ्रांसिस के साथ था, उसे एक क्लब दिखाई देता है और उसे काफी पसंद आता है और वो उस क्लब के ओनर के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। रॉन अपने पुराने भाई को वापस पाना चाहता था, इसीलिए वो उस क्लब में झगड़ा करवा देता है जिसे रेजी ने अभी अभी खरीदा है, जिस वजह से उस क्लब का ओनर पुलिस को बुला लेता है और रॉन और रेजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रेजी को इस बार कुछ पता नहीं था कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। लेकिन जब उनकी जज के सामने सुनवाई होती है, उनका केस ही क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार की भी इसमें काफी बदनामी होती। न्यूज़पेपर में रॉन की तस्वीर पॉलिटिशियन के साथ छप चुकी थी और सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। केस से बरी होने की खुशी में दोनों भाई पार्टी करते हैं और वहां उसे रीच नाम का एक ऑफिसर मिलता है जो उनके केस पर काम कर रहा था। दोनों भाई जबरदस्ती उसके साथ फोटो क्लिक करवा लेते हैं और ये फोटो उस ऑफिसर के सीनियर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उसे लगता है कि रीच इन गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है और उसे इस केस से निकाल दिया जाता है। फाइनली रेजी और फ्रांसिस की शादी हो जाती है। फ्रांसिस की माँ उसे आखिरी बार समझाती है कि वो अपनी जिंदगी नरक बना लेगी, लेकिन फ्रांसिस उसकी नहीं सुनती। रेजी फिर फ्रांसिस के अनुसार सही रास्ते पर चलता है, लेकिन रेजी के अंदर अभी भी एक गैंगस्टर छिपा था जो धीरे धीरे बाहर आने लगता है और वो फ्रांसिस को इग्नोर करने लगता है। एक दिन रेजी की मॉम घर आती है और फ्रांसिस चाय नहीं बना पाती। ये देखकर रेजी की माँ कहती है कि जिस लड़की को चाय बनानी नहीं आती, रेजी ने उस लड़की से शादी कैसे कर ली। ये सब सुनकर फ्रांसिस को बहुत बुरा लगता है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है। वो नींद की गोलियां खाना शुरू कर देती है। फ्रांसिस के बर्थडे पर रेजी उसे एक महंगी कार गिफ्ट करता है, लेकिन फ्रांसिस को कार चलानी नहीं आती, जिस पर वो रेजी से उसे कार चलाना सिखाने को कहती है। लेकिन रेजी काम का बहाना बनाकर कहता है कि वो उसे कल कार चलाना सिखाएगा। उधर रेजी जब अपने आदमियों के साथ था, लेज़ली रेजी को सलाह देता है कि उसे अब अपनी वाइफ यानी फ्रांसिस को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। इतना सुनते ही रॉन गुस्से में लेज़ली के सर पर ग्लास फोड़ देता है और कहता है कि उसे लेज़ली पर भरोसा नहीं है, वो हमारे कई सीक्रेट्स जानता है। ये सब सुनकर रेजी से कहता है कि उसका हर आदमी उनके कई सीक्रेट्स जानता है, तो क्या सबको मार दिया जाए। रेजी से पूछता है कि क्या तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, क्योंकि इसी वजह से वो ये सब पागलपन कर रहा था। और वो कहता है कि हम दोनों भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो शायद हमें भी एक दूसरे को मार देना चाहिए। ये सब सुनकर रॉन उससे कहता है कि जो शीशों के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रेजी एंजेलो से मिलता है और रॉन के बारे में बात करता है और कहता है कि रॉन का यूँ अखबार की सुर्खियों में बने रहना उनके लिए ठीक नहीं है। वो रॉन का कुछ करने को कहता है। रेजी कहता है कि वो रॉन का कुछ नहीं कर सकता, वो आजाद है। रेजी वापस आता है और फ्रांसिस को इग्नोर करके सो जाता है। फ्रांसिस उसे एक टुक देखती रहती है। उधर जॉर्ज का एक आदमी एक वेयर हाउस के ओनर को धमकाता है, जिसके बाद वो ओनर रॉन के पास मदद के लिए आता है। रॉन पैसों के बदले उसकी मदद करने को तैयार है। फिर वो उस क्लब में पहुंचकर जॉर्ज की गोली मारकर हत्या कर देता है और उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद कई लोग देख लेते हैं। रेजी रॉन के पास आता है और कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, कई सारे लोगों ने उसे गोली मारते हुए देखा है और शायद अब रॉन को बचा पाना मुश्किल है। पुलिस फिर से रॉन और रेजी का केस ओपन कर देती है, लेकिन एक औरत जिसने खून होते हुए देखा था वो रॉन को पहचानने से मना कर देती है।
दरअसल रेजी ने उस औरत को धमकाया हुआ था और ये बात वो फ्रांसिस को बताता है। फ्रांसिस कहती है कि काश वो उसे इतना प्यार नहीं करती तो कब का उसे छोड़कर जा चुकी होती। बारिश की वजह से फ्रांसिस की कार भीग रही थी। वो रूफ टॉप ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। रेजी उसके पास आता और कहता है कि वो उसके लिए इससे भी महंगी कार खरीद सकता है। वो फ्रांसिस को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि वो आज काफी बदसूरत लग रही है, जिस पर फ्रांसिस उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्से में रेजी उसके साथ मारपीट करता है और जबरदस्ती करता है और अगले दिन फ्रांसिस उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। अगले दिन रेजी फ्रांसिस को मनाने के लिए उसके पास आता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो क्या उसके साथ ऐसी जगह जाना चाहेगी जहाँ बस वो दोनों हो और कोई नहीं। वो टिकट्स बुक करने की बात करता है। फ्रांसिस को लगता है शायद वो उन्हें एक और मौका देना चाहता है। वो अपने कमरे में जाती है और नींद की गोलियां खा लेती है। अगले दिन जब रेजी उसके पास आता है और देखता है कि फ्रांसिस ने सुसाइड कर लिया है, रेजी काफी दुखी हो जाता है। उसे काफी गिल्ट फील होता है। उसके बाद वो फ्रांसिस की उंगलियों में शादी की रिंग पहनाता है। दोनों भाइयों की आपराधिक गतिविधियां जारी रहती हैं और रॉन लेस्ली को मारने के लिए एक छोटे अपराधी जैक को पैसे देता है क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करता था। जैक लेस्ली को मार नहीं पाता, वो उसको घायल कर देता है। लेस्ली को लगता है कि दोनों भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की है, इसलिए पुलिस के सामने उन दोनों के सारे क्राइम एक्सपोज कर देता है। तो रेजी जैक पर गुस्सा करता है कि उसने लेस्ली पर हमला क्यों किया और फिर वो जैक को मार डालता है। रॉन रेजी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेजी कहता है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसका दिल तो बहुत कर रहा है उसे जान से मारने का। रॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर जॉर्ज की हत्या का आरोप लगाया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस दस्ता जैक की हत्या के लिए रेजी को पकड़ने के लिए उसके फ्लैट का दरवाजा तोड़ रहा है। कैप्शन से हमें पता चलता है कि दोनों भाइयों को हत्या के लिए सजा सुनाई गई है। रॉन की दिमागी हालत की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। रॉन की 1995 में दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई और रेजी सन 2000 में ब्लैडर के कैंसर से मर गया। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 66 साल की थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।